सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37। फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट, तो मतलब बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं दे रखी बल्कि उसका एक पार्ट दे रखा है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं ऑफ द बैलेंस शीट। किसका है ये? नीलकंठ और महादेव का। कब दे रखा है? 31 मार्च 2018। कहता है बैलेंस शीट कब है ये? 31 मार्च 2018 की लाइबिलिटी साइड दिखाई हुई है और एसेट साइड, सेंडरी एसेट दिया हुआ है 30 लाख। नीलकंठ की कैपिटल दे रखी है, महादेव की भी कैपिटल दे रखी है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है और करंट अकाउंट भी दे रखा है। तो मतलब कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट, इसका मतलब हमारी कैपिटल जो क्या है, फिक्स है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना दे रखा है ये? 38 लाख दे रखा है। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ने क्या की है? ड्रॉइंग की है। कितनी की है? 30 हजार। और प्रॉफिट कितना हुआ इस साल? ये हुआ था हमारे को 10 लाख का। तो 10 लाख का प्रॉफिट है, जिसमें से 8 लाख तो आपने बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व रख लिया, तो डिस्ट्रीब्यूट किए कितना किया होगा आपने? 2 लाख का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो कितना, 5% से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 5% से। तो हम अगर हम बात करें, ये क्या है आपका साल है, ठीक है, ये क्या है आपकी 1 अप्रैल और ये है आपकी 31 मार्च, ठीक है। और हमारे पास कौन है? नीलकंठ है और महादेव है, और इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रही है, क्योंकि 31 मार्च की बैलेंस शीट है, तो ये कब है? 10 लाख, और यहाँ भी क्या है? 10 लाख। लेकिन अब कहता है कि कैपिटल आपकी है जो, वो क्या है? फिक्स है। फिक्स है तो मतलब ओपनिंग में भी आपकी 10 लाख होगी, 10 लाख होगी, तभी तो बोला है कि कैपिटल क्या है आपकी? फिक्स है। अगर कैपिटल के अंदर कोई चेंज होगा, जैसे आपने ड्रॉइंग की है, या आपको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे आप ड्रॉइंग करो, चाहे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहे इंटरेस्ट मिले, चाहे कमीशन मिले, ये सारी चीजें किसके अकाउंट के अंदर डील करते हो आप? करंट अकाउंट के अंदर डील करते हो। तो हमने तो किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? कैपिटल अकाउंट के ऊपर। और कितना लगाना है? 5%। तो 10 लाख के ऊपर अगर 5% लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 लाख, और ये कितना हो जाता है? 1 जीरो काट दो तो कितना हो जाता है? 10% हो जाता है। कितना आ जाएगा ये? 1 लाख। अगर आप हाफ करोगे तो इतना कितना आ जाएगा ये? 50 हजार। तो 50 हजार किससे आ जाएगा? एक हिस्से में, मतलब नीलकंठ के हिस्से में, और बात करें महादेव की, महादेव के हिस्से में भी कितना आ जाएगा ये? 50 हजार आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे को कितना हुआ है? नेट प्रॉफिट हुआ है हमारे को 10 लाख का, ठीक है। 10 लाख में से 8 लाख तो आपने रिजर्व रख लिया है, और डिस्ट्रीब्यूट कितना किया आपने? 2 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो 2 लाख आपने क्या कर दिया? ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पर क्या था? सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। तो क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से को देनी है? नीलकंठ को और महादेव को। कितनी देनी है? 50 हजार, और ये भी 50 हजार। ये कितनी हो जाएगी आपकी? 1 लाख। अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करें तो क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख से, ठीक है। टू क्या लिखोगे? नीलकंठ अकाउंट, और टू ये जो क्या नाम है, महादेव करंट अकाउंट, दोनों के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो कितने से? 50,000 से, और ये भी कितने से कर दोगे? 50,000 से। तो आपने ऐसे ट्रांजेक्शन के अंदर डील करना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।